सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल टेकी मोहित। सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस टू गेट मोर कंटेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे अपडेटिंग का प्रोग्राम, और पिछले वीडियो में जो स्किप किया था डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, उस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेटिंग डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस डिक्शनरी किसी भी डिक्शनरी को अपडेट करने का आपको कमांड बताया था मैंने कि किस टाइप से आप की वैल्यू देकर उसे अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ जिसमें आप अपडेट करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को डिक्शनरी में। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है और अब मैं आपको इसका रन करके बताता हूँ, आउटपुट रन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें किस किस एलिमेंट्स का हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली है यूज़र से इनपुट में कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स में फिर हम बताएंगे कि उनने कितने कॉम्पिटिशन जीते। तो कॉम्पिटिशन विनर्स नाम की एक हमारी डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट होगी। तो कॉम्पिटिशन विनर्स नाम की जो डिक्शनरी है उसमें हमें हर बच्चे का अलग अलग डेटा मिल जाएगा कि किस बच्चे से कौन कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एसोसिएटेड है, मतलब उसने कितने जीते हैं। तो ये हम यहाँ पर लूप की मदद से परफॉर्म करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है फॉर ए इन रेंज एन, तो एन ये हमारी रेंज जो होगी वो यहाँ की होगी, जो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की रेंज यहाँ से लेंगे वही रेंज हमारी यहाँ पर होगी। उसके बाद हमने की जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह हम लेंगे। फिर वैल्यू है, वैल्यू पर हम नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस लेंगे, तो इसीलिए हमने इंट यहाँ पर दिया है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर की और वैल्यू पेयर से इसे अपडेट करते जाएंगे, और एन नंबर तक ये जो रेंज है ये एन नंबर तक इसे लूप करते जाएगा, इटरेट करते जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे एन नंबर तक उसके बाद हमारी डिक्शनरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो ये मैंने रन कर लिया है। अब आपको बताने होंगे यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 3। फिर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट देना होगा, मैंने लिख दिया मोहित, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन 4। फिर मैंने दे दिया राम, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन 5। फिर मैंने दे दिया निशित, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन 6। और ये हमारी डिक्शनरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 3 नंबर के बाद। अगर आप यहाँ पर जितने नंबर देना चाहे उतने नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन या फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए थे। तो यही हमारा एक प्रोग्राम है अपडेशन का, जो कि एक डिक्शनरी में किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो किसी भी डिक्शनरी में से एलिमेंट्स को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम की वैल्यूज से ही इसमें सब इंडेक्सिंग वगैरह और की वैल्यूज से ही सारे काम करते हैं इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर डिलीशन भी की वैल्यूज़ की मदद से ही परफॉर्म होता है। तो डिलीशन के लिए हमारे पास दो कमांड है यहाँ पर। पहली कमांड तो हमारी डिलीट कमांड है और दूसरी कमांड है हमारी पॉप कमांड। तो चलिए पहली कमांड को समझते हैं। तो पहली कमांड डिलीट कमांड में हमारा सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पर del। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ d1 नाम से, क्योंकि यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुकी है शेल, तो हमारा पुराना डेटा लॉस्ट हो चुका होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर ली है नई, और अब हम इसमें से डिलीशन सीखेंगे। तो डिलीशन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखनी होगी del। del लिखने के बाद आपको लिखना होगा डिक्शनरी का नाम, तो यहाँ पर हमारी डिक्शनरी का नाम है d1। और उसके बाद आपको यहाँ पर देनी होगी की, तो की जैसे मैंने यहाँ पर दे दी किशन, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू डिलीट हो चुकी मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर डिलीट हो चुकी है किशन वाली वैल्यू। तो यही हमारा डिलीट मेथड से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने का फंक्शन। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है हमारा पॉप मेथड। तो पॉप मेथड में भी हम की से ही डिलीट करते हैं। उसके लिए लिखना होगा आपको डिक्शनरी का नाम, उसके बाद लगाना है डॉट, फिर लिखना है POP पॉप, और पॉप के बाद आपको दे देनी है सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर की। तो की दे देता हूँ मैं यहाँ पर राम, और ये हमें उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। और मैंने जैसे आपको पिछली लिस्ट में बताया था कि पॉप मेथड से क्या होता है, बस सेम फंक्शन यहीं पर भी होता है, और हमारे ये डिक्शनरी में से डिलीट हो चुका होगा। ये देखिए, तो इस टाइप से पॉप मेथड और del मेथड का यूज़ कर हम डिक्शनरी में से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो हाँ, होप आपको ये समझ आया होगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।